तो एवरीबॉडी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाले देन गाइस बताने वाले फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेस पैकिंग पिकिंग जॉब्स रिक्वायरमेंट इन कोलकाता। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट में बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन अभी आया हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ में डायरेक्टली शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं पर्सनली आपके साथ में, जो भी मेरे पास आता है मैं पूरा शेयर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जरूरी होता है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर पहले स्क्रीन पे मेंशन करता हूं ना, तो लोग पहले ही कॉल कर देते। तो भाई आप कॉल करो, आपको रिस्पांस कॉल पे नहीं मिल पाएगा। जब तक आप वैकेंसीज का डिटेल्स नहीं लेते हैं तब तक आपको रिस्पांस फुल्ली नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और फुल्ली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या जॉब्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी घंटे की ड्यूटी है, क्या सैलरीज होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेस पैकिंग पिकिंग जॉब्स इन कोलकाता है, पोजीशंस के बारे में तो मतलब हेडलाइन में ही मेंशंस हो गया है। यहाँ पर पोजीशंस आपका होने वाला है, जो काम करने का वर्क प्रोफाइल होने वाला है वो पैकिंग पिकिंग स्कैनिंग सॉर्टिंग रैकिंग मूविंग ट्रेसिंग, यही सब काम आपके होने वाले हैं। और बेसिकली आपको पता भी होगा कि वेयर हाउसेस में काम आते हैं तो यहाँ पर ड्यूटी 9 घंटे का होता है, ज़्यादातर 9 घंटे की शिफ्टिंग होती है। और क्वालिफिकेशंस आपका 10th पास मैंडेटरी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बताने के बाद भी वो 10th पास नहीं है, बट वो कॉल कर करके परेशान करते। तो देखो भाई, अगर आपको वेयर हाउसेस में काम करना है कोलकाता लोकेशंस में, तो आपका 10th पास होना मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशंस खोजा जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ मटेरियल्स होता है उसको आपको इधर से उधर शिफ्टिंग करना होता है, तो उसका नाम एंड सब कुछ आपको मतलब जानने आना चाहिए। थोड़ा एजुकेटेड पर्सन को ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ड्यूटी 9 घंटे की शिफ्टिंग है, वीकली वन डे ऑफ है, मतलब साप्ताहिक आपको एक छुट्टी भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर लोकेशंस की बात करें तो हुगली हावड़ा कोलकाता लोकेशंस में जॉब्स होने वाले हैं। ड्यूटी मैंने मेंशंस किया है, एज 18 से 35 साल। देखो ज्वाइनिंग के टाइम में आपका एज जो बताया जाता है वो कंपलसरी कंप्लीटेड होना चाहिए, क्योंकि आपका एज हो सकता है कि एज किसी का कंप्लीटेड नहीं होता है और किसी का अबोव रहता है, तो वो ये प्रॉब्लम्स मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर पहले जो भी क्राइटेरिया है वो समझ ले। और दोस्तों बात आती है लॉजिन एंड फूडिंग की, तो लॉजिन इसमें बताया गया कि लॉजिन अवेलेबल करवा दिया जाएगा, बट उसका 600 रुपये प्रति माह 600 रुपीज़ मंथली चार्जेस लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर खाना खुद का रहेगा, फूडिंग ऑन रहेगा, तो आप खाना खुद से मेक करो या फिर होटल से खाओ, वो कंपनी को उससे मतलब नहीं है। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है। दोस्तों मैंने एक चीज़ बताया नहीं, सैलरी, जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़े होंगे डायरेक्टली कॉल किए होंगे, तो सैलरी के बारे में जान लीजिए। सैलरी जो यहाँ पर एज ए बेसिकली 9 आवर्स ड्यूटी के 26 डेज ड्यूटी के आपको जो पेमेंट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले 12,500 रुपये मिलने वाले, 12,500 रुपीज़ मंथली बेसिस। देखो वहाँ पर जैसे जैसे आप टाइम एक्सपेंड करोगे आपको एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पर सभी तरीके के काम के नॉलेज आपको होंगे, तब आपका सैलरी इंक्रीज करेगा। कोई भी कंपनी में ऐसे आप 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने काम करके सैलरी इंक्रीज नहीं करवा सकते हो। तो देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम्स ये होता है कि लोग कहीं पर भी मतलब रह के काम करना नहीं चाहते, उनको 1-2 महीने काम कर लिए बहुत हो गया, तो वैसे कैंडिडेट्स की नीड नहीं है। कम से कम 6 महीने अराउंड काम कीजिए वहाँ पर जाके, उसके बाद आपका पोजीशंस भी इंक्रीज होगा, सैलरी भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेंगे। देन एवरीबॉडी कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे मैंने शो किया, ये ब्लूमाया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से जॉब्स वैकेंसी है, तो आपको किसी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं देना, रजिस्ट्रेशन फीसेस होता है इनका, एकदम से ये जेन्युइनली वर्क करते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंसी में विजिट करो, प्लेसमेंट एजेंसी ब्लूमाया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में, तब आप जॉब्स ले। दोस्तों बीच में किसी भी बंदे का कॉल आता है और बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स कर दीजिए, नहीं करना है। हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एजेंसी में विजिट करो, उसी दिन आपको जॉब्स प्रोवाइड होगा, उसी दिन आपको कंपनी में भेज दिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जॉब की जानकारी लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।